हर किसी को मूवी देखना बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मूवी बना के उससे पैसा कैसे कमाता है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि उनका पैसा कमाने का तरीका क्या है। सो माइसेल्फ जीत, यू आर वॉचिंग सहज पड़ासन यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है, साल भर में इस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से 20 से ज़्यादा लैंग्वेज में 1500 से 2000 तक मूवी बनता है। उनमें से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसको हम लोग बॉलीवुड नाम से जानते हैं, वो 16% फिल्म खुद अकेले बनाता है और बॉलीवुड का मार्केट शेयर कुछ समय तक सबसे ज़्यादा लगभग 42% था। लेकिन इस साल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का मार्केट शेयर घटाकर खुद का मार्केट शेयर 36 से 59% तक लेकर चला गया है। इसमें बहुत बड़ा हाथ बाहुबली, पुष्पा, KGF, RRR जैसा फिल्म का है। अब हम लोग जानेंगे एक फिल्म बनाया कैसे जाता है। फिल्म बनाने का 4 स्टेज होता है। एक है डेवलपमेंट, फिर है प्री प्रोडक्शन, फिर है प्रोडक्शन स्टेज और आखिर में आता है पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज। डेवलपमेंट की स्टेज में फिल्म का स्टोरी लिखा जाता है, फिल्म का सारा स्क्रिप्ट और डायलॉग सब उसी स्टेज में ही बनाया जाता है। फिर आता है प्री प्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज में फिल्म के लिए मेन कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट को हायर किया जाता है, मतलब कौन कौन सा लोग इस फिल्म के हीरो बनेगा, कौन कौन सा लोग किस किस रोल के लिए काम करेगा, ये सब। और उसी स्टेज में प्रोडक्शन क्रू को भी हायर किया जाता है। फिल्म के लिए लोकेशन वगैरह भी ढूंढा जाता है, ट्रैवल्स के लिए अरेंजमेंट किया जाता है, कुछ कुछ परमिशन भी लिया जाता है। फिर आता है मेन स्टेज, जो कि है प्रोडक्शन स्टेज। उसमें फिल्म का शूटिंग होता है और लास्ट में पोस्ट प्रोडक्शन। इस स्टेज में पूरा फिल्म का बेस्ट शॉट को निकालकर उन शॉट्स को जोड़कर एडिटिंग किया जाता है और फिर बनता है एक पूरा फिल्म। इन सारी प्रोसेसों के बीच में फिल्म में कौन कौन सा सिंगर गाना गाएगा, ये भी चूज किया जाता है। इन सारी प्रोसेस में एक्टर का सैलरी, सिंगर का सैलरी, क्रू का रेंट, ट्रैवल्स, परमिशन, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। बॉलीवुड का एक एक फिल्म बनाने में लगभग 80 से 100 करोड़ रुपीस और कुछ कुछ फिल्म तो 200 से 300 करोड़ रुपीस में भी बनाया जाता है। कोई भी एक आदमी के लिए इतना पैसा अफोर्ड करना मुमकिन नहीं होता, तो इसलिए बड़े बड़े फिल्म बनाने के लिए फिल्म प्रोडक्शन हाउस पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन, प्राइम फोकस, फॉक्सटर स्टूडियो। कुछ कुछ कम बजट का भी फिल्म होता है, जैसे कि 8 से 10 करोड़ का। उस फिल्म को एक सिंगल आदमी ही पैसा इन्वेस्ट करके बना सकते हैं, तो वो सिंगल आदमी को प्रोड्यूसर कहते हैं। अब सारे प्रोड्यूसर तो खुद से फिल्म नहीं बना पाएगा, तो इसलिए वो इन्वेस्ट कर पूरा फिल्म बनाने का जो अधिकार है वो डायरेक्टर को दे देते हैं। तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में एक डील होता है। फिल्म को बनाने के बाद उसको एक हार्ड डिस्क में सेव किया जाता है, फिर उस फिल्म को प्रोड्यूसर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेकर जाता है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मतलब सिनेमा हॉल के मालिक के पास, OTT प्लेटफॉर्म के पास, जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, एटसेट्रा एटसेट्रा। डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म के मार्केटिंग में भी ज़्यादातर पैसा खर्च करते हैं, फिल्म का एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, प्रोमोशन वगैरह भी करते हैं, और फिर वो पैसा कमाते हैं फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स बेचकर। और सिनेमा हॉल में एग्जीब्यूटर के साथ भी वो डील रखते हैं। वो डील भी अलग अलग होता है, जैसे कि अगर सिनेमा हॉल सिंगल स्क्रीन का है तो उसमें 75:25 रेशियो में डील होता है। 25% सिनेमा हॉल के मालिक के पास जाएगा और 75% डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। ये डील 70-30, 80-20 भी हो सकता है। और दूसरा एग्जीब्यूटर है मल्टीप्लेक्सेस, मतलब मॉल का सिनेमा हॉल। इसमें वीकली डील होता है, मतलब सिनेमा रिलीज होने के फर्स्ट वीक में 50-50, मतलब 50% सिनेमा हॉल के मल्टीप्लेक्स के मालिक के पास और 50% डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। और सेकेंड वीक से डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर घटता रहता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ज़्यादातर फिल्म उनके रिलीज होने के पहले हफ्ता में ही ज़्यादातर पैसा कमा लेते हैं। कुछ दिन फिल्म सिनेमा हॉल में चलने के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाता है और उसके बाद टेलीविजन में आता है। OTT प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी एक डील करता है, कौन से दिन के बाद वो सिनेमा OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा वो डील के समय ही पता चल जाता है। OTT प्लेटफॉर्म भी चाहता है जितना जल्दी हो सके उस फिल्म को उन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाए, जिससे वो भी ज़्यादातर पैसा कमा पाए।
पहले उस OTT प्लेटफॉर्म का प्रीमियम रखा हुआ लोग ही उन फिल्म को देख सकते हैं। जैसे कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक फिल्म अगर रिलीज होता है तो जिन लोगों ने उसका प्राइम सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है उन लोगों को पहले वो फिल्म देखने को मिलेगा। इससे OTT प्लेटफॉर्म का भी फायदा होता है क्योंकि प्रीमियम लेने पर उनका एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है और फिर उन मूवी पर वो एड भी चलाते हैं, ब्रांड प्रमोशन भी करते हैं, उससे भी उनका एक मुनाफा होता है। फिर आता है टेलीविजन की बारी। टीवी में जिस चैनल पर वो फिल्म पहले दिखाया जाएगा वो चैनल डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देते हैं। इसको कहते हैं वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर। टीवी चैनल ने भी फिल्म के ऊपर एड चलाकर ब्रांड प्रमोशन कर पैसा कमाते हैं। सिनेमा हॉल में जहां से आप टिकट खरीदते हैं उनको बॉक्स ऑफिस कहा जाता है और उनसे जो टिकट बेचकर पैसा कमाया जाता है वो कहता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर सिनेमा की बजट से ज़्यादा है तो कहलाता है कि सिनेमा हिट हो गया और अगर कलेक्शन कम है तो होता है कि सिनेमा फ्लॉप हो गया। अब कभी कभी फेमस एक्टर जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब प्रोड्यूसर से सैलरी नहीं लेते, वो प्रोड्यूसर के साथ शेयरिंग मॉडल पर काम करते हैं, जिससे अगर उनका सिनेमा फ्लॉप हो गया तो दोनों का नुकसान होगा, अगर हिट हो गया तो दोनों का फायदा, क्योंकि उन सारे एक्टर का इमेज के ऊपर निर्भर करता है कि वो फिल्म हिट जाएगा या फ्लॉप जाएगा। इससे हटकर भी सिनेमा बहुत सारे जगह से पैसा कमाता है, जैसे कि उन सिनेमा में यूज़ किए गए जो गाना होता है वो गाना भी वो YouTube चैनल पर रिलीज करके उनसे पैसा कमाता है, जैसे कि जी म्यूज़िक हो गया, ई सीरीज़ हो गया, ये सब। इससे भी सिनेमा का कुछ फ़ायदा होता है। तो इन सारे मॉडल पर एक फिल्म अपने बिजनेस मॉडल को चलाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानें कि फिल्म इंडस्ट्री पैसा कैसे कमाते हैं। इस चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियो आता रहता है। अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। धन्यवाद।